नीलगिरी पुणि पशिले झारखंडी हाथी पल स्थानीय अंचल लोके आतंकित अवस्था अच्छा आज भोरु 42 टिकिया झारखंडी हाथी पल प्रवेश कर 42 टिकिया झारखंडी हाथी गतकाल राति जोगल अंचल जातीय राजपथ पार हो नड़पुर संरक्षित जंगल में पहुंची 42 टिकिया हाथी पल नड़पुर जंगल बाहरी बुढ़ाबल नदी पार हो दुर्गादेवी अंचल नीलगिरी सीमांत प्रवेश कर हाथी पल नड़पुर जंगल बाहरी बुढ़ाबल नदी पार हो दुर्गादेवी अंचल दे नीलगिरी सीमांत प्रवेश करते काठपाड़ सोननदी पार हो अयोध्या अंचल गोपालपुर संरक्षित जंगल में प्रवेश करते हाथीपल आसवापर व्यापक फसल नष्ट जमापड़ गतकाल राति गोल्डिया अभयारण्य किसी हाथी खसी आसी शाबंध अंचल में व्यापक फसल नष्ट जमापड़ सेपटे आउ गोटे 60 टिकिया हाथीपल ओडिशा सीमांत पार हो गोविंदपुर देउली रेंज दे नीलगिरी मुहां होती हाथीपल आसवा शुणी चाषी मैंने धान फसल काटि के कंचा धान काटि देखाई अंचलवासी आसबावपत्र फसल सुरक्षापी मंचार सहारा नहीं जमापड़ नीलगिरी रेंजर मनवर खान कर्मचारी को नहीं हाथी गतिविधि उपर नजर रखिंट अंचलवासी एने आतंकित हो पड़ते हाथी तो आसना बर्तमान प्रथम थर आसीना 11 वर्ष है हाथी आस प्रत्येक वर्ष भाया आम जिते शीघ्र चेषा करूँ घोड़ेवाई जुआड़ आसते सियाड़ घोड़े चेषा करूँ तथा से 4 दिन ना भी सी आगे सांगे जीवन 3 दिन सप्ताह खंडे प्राय रही पारती क्या हाथी तो धान प्रबल बिल में कहीं भी जन चाषी भी काटिना बर्तमान सुधा मैंने 100% धान बिल अच्छे 42 हाथी पास कले आम देखिले कि धान गुड़ा सब नष्ट कर दे आम तो लोक सब भयभीत होती पाचिला धान बर्तमान क्षति कर पकेबे से लोक निद हो रात सारा लोक उजागर रही हाथी आसुँच बोली का निद ना आहरी 60 हाथी आसुँच बोली रेंजर सार कहे आहरी 60 हाथी आसुँच रेंजर सार भी रात सारा हाथी पचरे अच्छा तेणु आम सार रिक्वेस्ट करे कि शीघ्र ये हाथी जे लोकर धान क्षति न करे बंदोबस्त करे तेज वर्तमान नीलगिरी में कौन रही स्थित से संपर्क में अधिक सूचना देवा लगी अच्छा आम प्रतिनिधि ब्रजकिशोर पाणी आज मयूरभंज सीमांत दे नीलगिरी अंचल को पखापाखि 42 टी झारखंड हाथी धसई पशिंट ता पक्षक आहरी 60 टी हाथी नीलगिरी मुहाँ से बर्तमान मयूरभंज जिला देउली निकट पखापाखि रही आम जहाँ बर्तमान कहीपर अंचल एपर्यंत धान पाचिनाई एवं व्यापक फसल हानि होबार आशंका करछ आपण देखि परथिबे हाथी एही अंचल एही बाट दे जाइछे एवं गोपालपुर संरक्षित जंगल भितर को बसि आपण देखि परथिबे हाथी सुखी नाही बिल सुखी नाही एवं धान भी पाचिनाई किछि किछि धान दर पकिला होइछे एवं किछि किछि धान भी पाचिनाई आउ किछि लोक माने कंचा धान भी काटि नबक बसितले एटी किछि भी चासी माने अछन्ति सेमाने चिंतित हे पडछन जे आज हाथी पसिबा भितरे ए जो हाथी आज भोर समय रे पसिले 42 हाथी पसिले एवं आहुरी आछन्ति 60 टी हाथी किमिति का अवस्था अच्छा बर्तमान परिस्थिति कौन हम एवं वन विभाग कौन प्रतिकार नौ आउ चाष किमिति का अवस्था बर्तमान अच्छे चाष तो धान पचीना ही केचिलानी हाथी तो प्रति वर्ष आसमी माड़ की सब ये कर सरकार जहाँ कम कम दौंत आ सरकार चाषी जी इनकम हो सरकार तो दे पारना कौन आतंक दे पड़े हाथी देखी आज्ञा डरी हाथी हाँ लोक तो भयभीत हे ना आसिले हाथी जंगल रही है गाँव को बाहर ये करेंगे लोक मान को समस्ते रात निद लाइन भी काटे मैंने गोटे आतंकित हो पड़ते एटी भी आज जो चाषी अच्छा आपने देखिपे हाथी बर्तमान जो बहुत चाष फसल नष्ट तली धान को बर्तमान दली मकची जीवा रास्ता दली मक बर्तमान हाथी जो आज आसिले धान भी कटा जा कि कचा धान भी कटाला लोक नहीं पार ना कौन अवस्था हम बर्तमान सब नष्ट आमर तो ये सब वर्ष फी वर्ष 10-12 वर्ष है आसिक नष्ट कर हाथी मैंने कौन करा कौन के अवस्था अच्छा ये तो नष्ट हाथी आसले आज 10 वर्ष है आसले इमती आज भोर भोर हाथी आसिक पहुँचुं धान गुड़ाक नष्ट भी कर मांडिकी आरेस्टर वाला कौन कर कौन ना से देखी पार्छ बर्तमान चलित बर्ष सोलार फेंसिंग से छिंटी पड़ी ट्रेज पुनरुद्धार होना बर्तमान हाथी के जेकोस मुहूर्त में कौन से गाँव को भी पशि पारती धनजीवन भी नष्ट कर पारती कहीं प्रतिकार निजाई सेटा फॉरेस्ट लैंड कम आटा सोलार गुड़ाक सब चारिड़े छिड़ी मेड़ जा
ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ମରାମତି କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆସିଲେ ଗାଁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗାଁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସେରକମ କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି କରିପାରିବନି, ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ କି ଯାଇକି ଅଟକିକି ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବନି, ତେଣୁକରି ଯେ ବନ ବିଭାଗ ଯେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ରହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ହାତୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖି ପୁଣି ବଣ ଏକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ବାସ। ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେହେତୁ ଆଜି ଆସିଲେ ନା ନା ଆମେ ଏବେ ଘୋଡ଼ିଲେ ଆମର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଦିନ ରହିବେ ଏବଂ ଫସଲ ହାନି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ହାତୀକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୋଡ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସିଏ ତା'ର ତା ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଖାଇବ ଏବଂ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ପୁଣି ତା'ର ଫେରିଯିବ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଗୋଟେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାନ୍ତୁ। ନୀଳଗିରି ବ୍ରଜେଶ୍ୱର ପାଣି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।